अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस नंबर, दोनों जो है वो ठीक होंगे। ठीक है, तो एवोगाड्रोस नंबर जो है ये आज का टॉपिक है, और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन उस वक्त क्लियर होगी जब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है। तो आपने पढ़ा था कि प्योर मैटर जो है उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस। अब यहाँ पर पार्टिकल्स जो है, इसमें जैसे ही केमिस्ट्री में पार्टिकल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो पार्टिकल में आपके पास एटम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो आयंस भी आ जाते हैं, यानी फॉर्मूला यूनिट, और उसमें मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जहन में चीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही पार्टिकल वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स तीनों का ही जो है वो इस्तेमाल आपको जो है वो आता है जहन में। और ये आपने याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले इसे देखें, आपके पास सपोज कोई एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ये किससे मिलकर बनता है, एटम से। ठीक है, ये मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनेगा, मॉलिक्यूल से। फिर है आपके पास एक प्लेट, उसमें पड़ा है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है, फॉर्मूला यूनिट से यानी आयन से। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब्सटेंस। उसमें आपके पास एटम भी है, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट यानी आयंस भी हैं। अब आपने इन चीज़ों के बारे में तो पढ़ा कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास कंपाउंड फॉर्म है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। आपके पास अगर सॉल्ट है तो वो फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बना है, यानी आयन से मिलकर बना है। लेकिन कभी आपने ये पढ़ा कि एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के अंदर सॉरी कितने एटम्स हैं, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, कितने आयंस हैं। क्या कभी आपने ये चीज़ पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसे हम काउंट कर सकते हैं, क्या अगर आपको पानी दे दिया जाए, उसमें से आपको बोला जाए कि इसमें से जो है ना वो मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं या काउंट करने हैं, कि क्या आप इसे काउंट कर सकते हो। इसे काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसे काउंट करना क्योंकि डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए हमारे पास जो है वो एवोगाड्रोस नंबर जो है वो आए। ठीक है, उस ये जो है प्रेजेंट किया गया कि अगर आप लोग इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, तो आपको एक चीज़ जो है वो हेल्प आउट करेगी, वो क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर क्या थे ये देख लेते हैं, कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻²³ ये थे एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि आपके पास जो है वो 12 बनानास हैं। ठीक है, 12 बनानास जो हैं वो किसके इक्वल है, मैं इसको इक्वल कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता ही है 1 डज़न के। ठीक है, 1 डज़न यानी एक दर्जन के। आपने क्या किया, 12 इक्वल 1 दर्जन। ठीक है, इसी तरह ऑरेंजेस जो हैं वो 12 ऑरेंजेस जो हैं वो एक दर्जन, अंडे जो हैं वो 12 जो हैं वो एक दर्जन के। यहाँ पर आपके पास अगर एलिमेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट था इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो आप लोग उसका भी बता सकते हो, किस तरह से बता सकते हो। तो इसी तरह आपके पास ये एवोगाड्रोस नंबर जो है वो इक्वल आ जाते हैं 1 मोल के। किसके इक्वल, 1 मोल के। जैसे यहाँ पर 12 जो है थे बनानास, वो आपने किसके इक्वल कर दिए, 1 डज़न के, एक दर्जन के। तो यहाँ पर 6.02 × 10⁻²³ इज इक्वल है 1 मोल के। तो अब आप यहाँ देखें, ये जो मैंने बताया एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट तो अगर आपके पास 1 मोल है एलिमेंट का, ठीक है, 1 मोल है एलिमेंट का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.02 × 10⁻²। इसी तरह अगर आपके पास वाटर है, तो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर
उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻². NaCl है, इसमें कितने जो है वो आयंस होंगे वन मोल में, वो 6.02 × 10⁻². अब अगर आपके पास वन मोल है कोई भी चीज़ का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का वन मोल है, तो आपको अंडरस्टूड है कि उसके अंदर कितने जो है वो एटम मॉलिक्यूल आयंस होंगे, 6.02 × 10⁻². ठीक है, इसके इक्वल होंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स का पूछा जाए, एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इसे आप काउंट कर सकते हो। अगर वाटर के अंदर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं कि वो कितने होंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं इसमें। तो ये आपके पास है वाटर, ठीक है। अब वाटर के अंदर आपके पास है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स। तो आप 2 हाइड्रोजन है, 2 × 6.02 × 10⁻²³. ऑक्सीजन 1 है, तो 1 के साथ 6.02 × 10⁻²³. ठीक है, तो आपके पास क्या आया, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, इसी तरह NaCl फॉर्मूला यूनिट जो है वो NaCl का, अगर आपसे इसका कहा जाता है तो ये 1 1 है, तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, इसमें 6.02 × 10⁻²³ सोडियम का, और 6.02 × 10⁻²³ क्लोरीन का। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जो है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसने, एवोगाड्रोस ने एक फैसिलिटेट किया, हमें आसानी दी कि हम लोग जो चीज़ें काउंट नहीं कर सकते उनको इजीली काउंट कर सकें, उन्हें देख सकें कि कितने एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कोई कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कोई फार्मूला यूनिट है, कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कितने आयंस हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। तो एवोगाड्रोस ने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया कि हम लोग उन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प आउट करेगा, न्यूमेरिकल्स करने में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो मोल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस ने आपके पास इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया गया दोनों कैपिटल आपने यूज करने हैं, एन बी कैपिटल है, ठीक है, और ए बी कैपिटल है, लेकिन ये बॉटम पे है। तो ये इसको रिप्रेजेंट किया गया, जैसे ही आपके सामने ये एन ए लिखा जाता है, ठीक है, तो अंडरस्टूड है ये क्या चीज़ है, ये आपके पास एवोगाड्रोस नंबर है, ये इतने हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोग लिखते हो, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन अब देखें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स में एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन वन मोल, प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। तो ये देखें, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इनके अंदर जो है वो, ये मैंने ए वन मोल का बताया था आपको, वन मोल किसके इक्वल आएगा, इसके वन मोल, इसका किसके इक्वल, वन मोल इसका भी इसके इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछें, इसको अच्छी तरह से लर्न करें, और समझना आपने ज़्यादा इसका ज़रूरी है, तो वो आपकी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आएँ, और इसको जो है एग्जाम्पल्स के साथ करें। इसकी मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, के वन मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा, ठीक है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है, इसका मास कितना होता है, 1.008 ग्राम, ठीक है, किसके इक्वल, 6.02 × 10⁻²³। इसी तरह वन मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, उसका मास होता है इतना, तो वन मोल है ना, तो वन मोल में उतने ही आएंगे। वन मोल ऑफ CO2 किसके इक्वल आएगा, CO2 का है 44 ग्राम, ठीक है, तो ये भी वन मोल है, इसका भी वन मोल किसके इक्वल होगा, 6.02 × 10⁻²³, ठीक है, तो ये सारे वन मोल है, ठीक है, वन मोल हाइड्रोजन का, वन मोल जो है वाटर का, वन मोल ऑफ CO2, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये एलिमेंट,
तो ये आपके पास है, आपके पास मॉलिक्यूल कंपाउंड है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा, ये भी एक कंपाउंड है, तो इसमें भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।